अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो रियल एस्टेट बेसिक्स के ऊपर, जैसे चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ, थोड़ी सी गाइडलाइन जो देता रहता हूँ कि लीड्स क्या होती हैं या कैश बायर वगैरह जो चीज़ें हैं इसके बारे में जो बेसिक्स हैं वो बताता हूँ। तो ये वीडियो भी उसी के रिलेटेड है कि ये चीज़ आज की वीडियो बना रहा हूँ मैं डाइवोर्स लीड्स के ऊपर कि डाइवोर्स लीड्स क्या होती हैं। अब लोगों को लीड्स, वैकेंट लीड्स का मैंने बनाया, उस पर बनाई, प्रोबेट पर बनाई, फॉर प्लेयर पर बना दी थी, और मैं डिस्ट्रेस पर भी मे भी बनाई है या टैक्स डेलीगेंट पर। लेकिन डाइवोर्स लीड क्या होती है, ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो है। डाइवोर्स लीड्स वो है, वहाँ का क्राइटेरिया क्या होता है कि जब दो लोगों ने शादी की है, एक मियाँ एक बीवी है, उनके अगर डाइवोर्स होती है, वहाँ प्रॉपर्टीज़ अक्सर लीज़ की जाती हैं दोनों के नाम पे होती है, या अगर उन्होंने खरीदी पे तो दोनों ने खरीदी होती है मिलकर, दोनों पार्टनर होते हैं वहाँ पर, अमेरिका का ज़्यादा जो हिसाब है, ठीक है। तो अब उसमें हमें ये, अगर किसी की डाइवोर्स हुआ है, हम कोर्ट रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, जैसे प्रोबेट के लिए करना होता है, ठीक है, प्रोबेट के लिए कोर्ट रिकॉर्ड्स चेक करते हैं और डाइवोर्स के लिए भी कोर्ट रिकॉर्ड्स, के रिसेंट कौन कौन सा जो है वो डाइवोर्स हुआ है किनका। जब वो डाइवोर्स हुआ है, जो वो लीड्स होंगी उनकी पॉसिबिलिटी होती है कि ये हो सकता है बेचें, ठीक है, या उनमें से मियाँ रखेगा प्रॉपर्टी को या बीवी रखेगी तो दूसरे को पे करेगा, ठीक है। एक चीज़ ये होगी, अगर वो पे नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगे और अपना अपना शेयर ले लेंगे। जैसे प्रोबेट के अंदर था कि वारिस जो होते हैं, किसी का वालिद या वालदा फौत हुआ या कोई भी, तो उनके जो वारसान हैं या तो वो एक रख लेगा, बाकी को पेमेंट कर देगा, या फिर उसके बाद उसका सीन होगा कि वो उसको सेल आउट करके सारे अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। इसी तरह से डाइवोर्स लीड का भी यही सीन है कि मियाँ या बीवी एक प्रॉपर्टी रख लेगा या फिर दोनों उसको मिलकर सेल आउट करके तो अपना अपना शेयर ले लेंगे, ठीक है। ये डाइवोर्स लीड्स के लिए, ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई डाइवोर्स लीड्स क्या है, और ये कोर्ट रिकॉर्ड से हमें मिलती हैं डाइवोर्स लीड्स जो हैं, ठीक है, और हम उनको यानी कि निकाल के उनको करते हैं, ये पॉसिबल सेलर्स में आ जाती है। मैं पॉसिबल और मोटिवेटेड सेलर्स पर भी एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, वो भी आपको उसकी भी समझ आ जाएगी वो क्या चीज़ होते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, कोई इसमें अच्छी चीज़ आपके काम की आई होगी, आपको कोई चीज़ सीखने को मिली होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।